नाम काशी शिव महापुराण की कथा रखा गया। कई लोगों को संशय भी हुआ, कहा गुरुजी आप क्या काशी में जाकर शिव पुराण की कथा कर रहे हो? हमने कहा नहीं, इस कथा का नाम श्री काशी शिव महापुराण की कथा है। इस कथा का नाम श्री काशी शिव महापुराण की कथा है। तो कहा गुरुजी वाणी में ये कथा हो रही है और इसका नाम काशी शिव पुराण क्यों रखा? हमने कहा कि श्री राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया है उसने संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को सुना और उस बेटी का नाम काशी रखा, इसलिए काशी शिव पुराण की कथा का। आज के जमाने में बच्चों का जो नाम रखते हैं, बच्चों का जो नामकरण संस्कार किया जाता है, वो ऐसे विचित्र विचित्र नाम रख देते हैं जिन नामों के बल पर मोक्ष का अनुभव ही नहीं है। अब टिक्कू नाम से कोई टिका रहेगा कि जाएगा? अब कोई टिक्कू नाम रख दे, टिक्कू नाम रख दे, तो इससे क्या मतलब है? हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। और आप सबने सुन रखी है उसको, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अजामिल की कथा को नहीं सुना हो या कथा का धारण नहीं करा होगा। बहुत अच्छा ब्राह्मण था अजामिल, बहुत अच्छा। कहते इतना भजन करता था वो, इतना नाम स्मरण करता, भजन करता, कीर्तन करता, मंत्र जाप करता, नाम जाप करता, नाम कीर्तन में डूबा रहता। कोई गलत संगत अजामिल की थी ही नहीं। कुछ अच्छी कृपा होती है ना परमात्मा की, भगवान की, जब बहुत बहुत कृपा हो, बहुत कृपा, तब समझना कि कोई अच्छे दरवाजे पर, अच्छी जगह पर अपन पहुंच गए। जैसे आप सब अगर आज शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो तुम यहां से जाने के बाद कोई तुमसे पूछे कि तू तो अमरावती रहती है, तू नागपुर रहती है, तू यहां रहती है, कहां गई थी, तो कह देना हम तो कोयले की खदान में से हीरा ढूंढने गए थे। अब यहां सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का है? यहां खदाने हैं कोयले की और कोयला ही कोयला यहां निकलता। अब कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है, बस हीरा को परखैया चाहिए कि वो परखदार हीरे को पहचान जाए कि ये हीरा है। जो नहीं जानता वो हीरे को यूं ही कोयले में ही बेच देता। कोई कोई अगर उस खदान में जो रहता है, खदान खोदने वाला जो रहता है, खदान का मालिक जो रहता है, अगर वो परखैया है तो उसको समझ में आ जाता है कि इस कोयले की खदान में एक छोटा सा कंकर मिला है और वो कंकर साधारण नहीं है, कोहिनूर हीरा है, बस वो पहचान जाए। उसकी दृष्टि, उसके नेत्र, उसकी आंखें, अगर वो हीरे को पहचान जाए तो समझ लो कि वो कोई परखैया अच्छा है, जिसने इसको परख कर लिया है, जिसने इसको परखा है, जो इसको परख चुका है। जो परखैया नहीं होता, जिसमें परख नहीं होती, वो कोयले की खदान में हीरा उसके हाथ में अगर आ भी जाता है तो कंकर समझकर वो फेंक देता है। परखैया होगा तो हीरे की कीमत को जानेगा। बानी में इतने सारे भक्त रहते हैं, यवतमाल जिले में इतने सारे लोग रहते हैं, सबकी सब
शिव महापुराण के परखदार नहीं होंगे, हीरे को परखने वाले यहां बैठे हुए हैं जो हीरे को परखते हैं कि शिव पुराण है क्या। कोई कहेगा गुरुजी 5 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 10 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 20 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कहेगा इतना पैदल चलना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो शंकर जी की शिव पुराण की कथा तक पैदल चल लेता है, फिर उसको बैकुंठ तक पैदल नहीं जाना पड़ता, नंदी पर बैठकर ही जाता है। फिर वो सहज नहीं है, साधारण नहीं है।